हेलो फ्रेंड्स, जो वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं छोटी छोटी स्टोरीज लेकर आती हूं, जिसके अंदर मैं आपको कैसे वो रीड करें ये बताती हूं। साथ ही मैं वर्ड्स के मीनिंग बताती हूं, थोड़ा सा ग्रामर्स बताती हूं, और साथ ही मैं सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताती हूं और समझाती हूं कि हम कैसे उसे समझें। ठीक है, अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है जो दो बच्चों की है और उसका नाम है सोहम्स बॉल, यानी कि सोहम की बॉल। सोहम एंड सैम आर प्लेइंग फुटबॉल। सोहम और सैम, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है इसलिए यहाँ पर आर आया है और आर के साथ में वर्ब को आईएनजी आया है। जब कभी भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है तो आर आता है या फिर इज आता है और उसके साथ में वर्ब को आईएनजी फॉर्म आता है। और आ जाता है, हम सॉरी थोड़ा सा मैं उधर देख रही थी, आता है। प्ले क्या है हमारा, यहाँ पे वर्ब है प्ले यानी के खेलना। आर प्लेइंग यानी के खेल रहा है फुटबॉल। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। सोहम और सैम फुटबॉल खेल रहे हैं। सैम किक्स द बॉल। सैम ने क्या किया? किक्स, किक्स यानी लात मारना। देखिए यहाँ पे क्या है, किक्स क्या है, ये वर्ब है। वर्ब को क्या लगा है? एस प्रत्यय लगा है, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए इसको एस प्रत्यय लगा है। तो इसको हाँ, तो इसलिए एस प्रत्यय लगता है। किक्स यानी के लात मारना। द बॉल यानी के एक बॉल। देखिए जब कोई चीज़ होती है, थिंग्स होता है या फिर कोई नाम होता है, कुछ भी होता है, तो जब वो एक है ये बताना होता है तो हम क्या करते हैं, अ एन और द लगाते हैं। तो यहाँ पे बॉल एक है इसलिए यहाँ पे द लगा है। सैम किक्स द बॉल। किक्स यानी मारना, लात मारना। सैम ने क्या किया? बॉल को लात मारी। इट गोज इंटू मिस्टर मानेस गार्डन। इट यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? जब कभी भी हम इट, ये सर्वनाम है, शी ही इज, शी ही इट, ये क्या है? सर्वनाम है। जब कभी भी एक नेम हो तो उसको हम बार बार, जैसे कि अब यहाँ पे क्या नाम है? बॉल है, तो हम इसको बार बार नहीं बोलने के बजाय हम क्या करते हैं, उसके बजाय सर्वनाम यूज करते हैं। और सर्वनाम क्या है? यहाँ पे इट है। इट क्या हो गया? ये बॉल को हम इट इट की जगह पे यूज कर रहे हैं। गोस, गोस क्या है यहाँ पे? जी ओ गो, गो यानि जाना, जाना यानि के गो। और गो क्या है? गो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे गो को ई एस प्रत्यय लगा है। किसको ई एस प्रत्यय क्यों लगा है? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे किक्स, किक्स को हमने क्या लगाया था? एस लगाया था। और यहाँ पे ई एस क्यों लग रहा है? जब कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हमारा वर्ब होता है, वर्ब के साथ में गो क्या है, ये हमारा फर्स्ट, गो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म में वर्ब है, पर जब कभी भी सी एच एस एच ओ जेड एस एस एक्स जब हमारे वर्ब के अंदर आता है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ओ कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ का ओ आ रहा है। जब ये लगता है तो जब सिर्फ यस नहीं लगता तब ई एस लगता है। अब समझ में आया आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस और ई एस कब लगता है? जब हमारे वर्ब के अंदर सी एच एस एच ओ जेड एस एस या एक्स आता है तब ई एस प्रत्यय लगता है। इंटू, इंटू यानी में। मिस्टर मानेस गार्डन, मिस्टर माने का गार्डन। इट गोज इंटू मिस्टर मानेस गार्डन। वह मिस्टर माने के गार्डन में गया। सैम आस्क फॉर द बॉल। सैम आस्क, आस्क यानी आस्क के लिए हम कभी भी पूछना, मांगना
ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। देखिए, जब कौन सा भी वर्ड होता है तो उसके एक मीनिंग नहीं होते, उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जो जिस स्थिति में जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से उसका मीनिंग निकलता है। अस को यहाँ पे हम पूछना नहीं, मांगना यूज़ करेंगे, क्योंकि द बॉल, सैम ने क्या किया, अपनी बॉल मांगी। सैम ने क्या किया, बॉल मांगी। एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज। एक्सक्यूज मी यानी के जब हम कभी भी किसी को, मतलब नहीं क्या, कोई अनजान इंसान है तो हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं। मे यानी के आज्ञा पाना, यानी के हम किसी से आज्ञा पा रहे हैं, मतलब कि हम किसी को पूछ रहे हैं या किसी को हम मांग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। आई हैव द बॉल प्लीज। आई यानि मैं, हैव द यानि द बॉल यानि बॉल, ये बॉल एक है, बॉल प्लीज़ यानि कृपया, क्या आप मेरी बॉल देंगे प्लीज़ कृपया। श्योर हेयर इट इज, श्योर यानि ज़रूर, हेयर यानि हाँ, इट इज यानि यह, Sure, here it is, ज़रूर यहाँ है। After some time, again the ball goes into Mr. Mane's garden. After यानि बाद, sometime यानि कुछ समय बाद, again the ball, again यानि फिर से, goes यानि जाना, into यानि में, Mr. Mane's garden, मिस्टर माने के गार्डन में। बाद में कुछ समय के बाद फिर से बॉल मिस्टर माने के गार्डन में गई। नाउ सो हम आस्क फॉर द बॉल, नाउ यानी अब, सो हम आस्क मांगना, आस्क यानी मांगना, फॉर द बॉल, सो हमने क्या किया, बॉल मांगी। Give me the ball. Give यानि दो, me यानि मुझे, मुझे बॉल दो। No, I won't, said Mr. Mane. No, I won't. No यानि नहीं, I यानि मैं, want यानि दूंगा, नहीं मैं नहीं दूंगा, said Mr. Mane. Said यानि कहना, मिस्टर माने ने कहा। व्हाई डज मिस्टर माने से नो, व्हाई यानी क्यों, डज मिस्टर माने, डज देखिए यहाँ पे क्या हो, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे डज आ गया। डज मिस्टर माने से यानी कहना, नो यानी नहीं, क्यों मिस्टर माने ने कहा नहीं। हाउ इज सोहम फीलिंग, हाउ यानि कैसा, इज सोहम फीलिंग यानि महसूस करना। सोहम ने कैसे फील किया, हाउ इज मिस्टर माने फीलिंग, हाउ यानि कैसा, इज या इज इसलिए आया है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे इज आया है। मिस्टर माने फीलिंग यानी महसूस करना, मिस्टर माने ने कैसे महसूस किया। सो हम ट्राइज अगेन, ट्राई यानी के कोशिश करना, हाँ कोशिश अगेन यानी फिर से। सो हमने क्या किया, फिर से कोशिश की। अंकल मे आई हैव द बॉल प्लीज, अंकल यानी के हम जैसे कि चाचा मामा को क्या करते हैं, अंकल यूज करते हैं, चाचा या मामा अंकल कहते हैं उन्हें, यानी पड़ोसी कोई हो जो हमारे पिताजी की उम्र का हो तो हम उसे अंकल कहते हैं। मे यानी फिर से यहाँ पे क्या है, आज्ञा पाना। आई यानी मैं, हैव द बॉल प्लीज़ यानी कृपया,
क्या आप मुझे मेरी बॉल देंगे? हाउ डज मिस्टर माने फील नाउ? हाउ यानी कैसे, डज मिस्टर माने फील यानी महसूस होना, और नाउ अब मिस्टर माने ने कैसे महसूस किया? थैंक यू, धन्यवाद, सेड सोहम। सोहम ने क्या कहा? थैंक यू। ठीक है, यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। ओ सॉरी, थैंक यू, थैंक यू यानी धन्यवाद, सेड सोहम। सोहम ने क्या कहा? सेड यानी कहना, सोहम ने क्या कहा? थैंक यू कहा यानी धन्यवाद कहा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। और आपको और अच्छी अच्छी स्टोरी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बोलिए कि आपको कैसे स्टोरी चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं वैसे ही स्टोरी लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मैं जितना आप मुझे लाइक करेंगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। और मैं अपने इसके लर्न इसको टीचिंग को और इम्प्रूव करके आपको नए नए वीडियोस लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।